खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आइए जानते हैं अमृतपाल सिंह कौन है। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह का जन्म गांव जल्लूपुर खेड़ा जिला अमृतसर में साल 1993 में हुआ था। वह तरसेम सिंह का बेटा है। अमृतपाल 19 साल की उम्र में ही 2012 में काम करने के लिए पंजाब से दुबई गया। वो 10 साल यानी 2022 तक दुबई में ही रहा। इस दौरान उसके सिर पर ना केश थे ना ही चेहरे पर दाढ़ी थी। अमृतपाल सिंह के चाचा का दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। अमृतपाल किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू के साथ दिल्ली बॉर्डर पर आया था। वो अगस्त 2022 में दुबई से भारत आ गया। उसने दोबारा केश रखकर सितंबर 2022 में दस्तारबंदी की और मोगा के गांव रोड़े में दस्तारबंदी का बड़ा कार्यक्रम किया और दीप सिद्धू की संस्था वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन गया। यही नहीं, अमृतपाल ने पंजाब में धार्मिक यात्रा चलाई। वो युवाओं को अमृत छकाने लगा और खालिस्तान के नाम पर ग्रामीण युवाओं को जोड़ने लगा। अमृतपाल सिंह का 15 फरवरी 2023 को फेसबुक पोस्ट को लेकर वरिंदर सिंह से झगड़ा हो गया। 16 फरवरी 2023 को अजनाला में FIR दर्ज हो गई। अमृतपाल और उसके साथियों पर वरिंदर सिंह को अगवा कर टॉर्चर करने का आरोप लगा। 16 फरवरी को अमृतपाल ने अजनाला थाना घेरने का अल्टीमेटम दिया। 23 फरवरी की दोपहर को अमृतपाल अजनाला थाने के बाहर भीड़ के साथ पहुंचा। पुलिस बैरिकेडिंग के पास जाकर अमृतपाल के साथ आई भीड़ उग्र हो गई और पुलिस से टकराव के बाद भीड़ ने थाने पर कब्जा कर लिया। इनमें से एक SP रैंक के अधिकारी समेत 6 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आईं। दरअसल अमृतपाल के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साथ होने के कारण पुलिस ने सख्ती नहीं की। अमृतपाल और उसके समर्थक 5 घंटे तक थाने में जमे रहे। पुलिस ने अमृतपाल के साथी लवप्रीत तूफान को 24 घंटे में छोड़ने का वादा किया। तब जाकर देर शाम अमृतपाल और भीड़ ने थाना खाली किया। 24 फरवरी को पुलिस ने लवप्रीत तूफान को अमृतसर जेल से रिहा कराया। लवप्रीत के साथ अमृतपाल ने स्वर्ण मंदिर तक पंक्ति जुलूस निकाला। विजेंद्र विजय, डिजिटल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस।